Hey people, welcome back to my channel. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं हूँ आयुषी और मैं बनाती हूँ वीडियोज ऑन फैशन, ट्रैवल एंड एनिमल वेलफेयर पर. इफ यू हैव मच देन गिव ऑफ योर वेल्थ, इफ यू हैव लिटिल देन गिव ऑफ योर हेल्थ. यू नो, कई बार ऐसा होता है कि जब मैं एनिमल रेस्क्यू करने जाती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि हम भी पशु सेवा करना चाहते हैं, हम भी एनिमल वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं, पर हमारे पास में इतना पैसा नहीं है कि हम पशु की सेवा कर सकें. इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगी पूरे 7 टिप्स ऑन हाउ टू हेल्प एनिमल्स इफ यू हैव लेस मनी और नो मनी. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स क्विकली गेट इनटू दिस वीडियो. टिप नंबर 1 है, जब भी आप रास्ते से जाएं और आप किसी नुकीली चीज को गिरा हुआ देखें, जैसे कि कोई कांच का टुकड़ा या शार्प एज वाला कोई पत्थर या फिर कोई कील, तो मेक श्योर कि आप उसे रास्ते पे ना रहने दें, आप उसे हटा लें. पहली चीज़ तो ये कि हमें ये सब रोड पे नहीं गिराना चाहिए. दूसरी चीज़ ये, अगर आप गिरा हुआ देखें तो उसे वहाँ से हटाएं. उसका रीज़न ये है कि काउ, डॉग या जो भी स्ट्रीट एनिमल्स हैं वो हमारी तरह शूज़ या स्लीपर्स नहीं पहनते हैं. वो भागते हुए आते हैं और अक्सर उनको वो कील या फिर जो भी नुकीली चीज़ है वो चुभ जाती है, जिनकी वजह से उन्हें इंजरी हो जाती है. तो अगर ऐसा कुछ भी हो तो प्लीज़ उसे हटाएं, और ये एक तरीके की पशु सेवा ही है. टिप नंबर 2 है कि जब भी आप रोड पे जाएं और आप देखें कि पशु खाना खा रहे हैं तो अपनी नज़र ज़रूर एक बार दौड़ाइएगा कि वो क्या खा रहे हैं. अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो खाने के साथ में पॉलिथीन या फिर घर का कचरा उनके खाने में डाल देते हैं, जो कि उनके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. आपके लिए सिर्फ 1 मिनट की मेहनत होगी कि आप वहाँ जाइए और उस कचरे को या फिर जो भी पॉलिथीन या कोई शार्प एज वाली चीज़ है उसको वहाँ से हटाइए और उसे ढंग की जगह पर डिस्पोज करें, जहाँ पे वो एनिमल के रीच में ना हो. और आपके इस 1 मिनट की मेहनत से उस एनिमल को हार्म होने से बचाया जा सकता है. टिप नंबर 3 है, आपको हमेशा पशु सेवा से जुड़े हुए लोगों के नंबर अपने पास में रखने चाहिए, ताकि जब भी आप किसी पशु को सफर होता हुआ देखें तो आप उन्हें तुरंत कॉल कर सकते हैं. आपके पास में आपके एरिया के जो भी एनजीओस, वेटनरी या फिर एनिमल एम्बुलेंस के जो फ़ोन नंबर है वो हमेशा आपके पास में होना चाहिए. अगर आप किसी भी पशु को सफ़र होता हुआ देखेंगे तो आप तुरंत कॉल कर सकते हैं, और आपके सिर्फ 1 फ़ोन कॉल से उस पशु को बचाया जा सकता है. यू नो वॉट, बहुत सारे धर्मों में ये चीज़ कही गई है कि प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म है. इसीलिए आप अपने घर के बाहर एक बड़ा टब रख सकते हैं या फिर कोई ऐसा बर्तन रख सकते हैं जिसे आप यूज़ नहीं कर रहे, उसे आप फ्रीक्वेंटली पानी से भरते रहिए, ताकि कोई भी प्यासा डॉग या काउ आए तो वो उसमें से पानी पी सकते हैं. सिमिलरली आप अपने टेरेस पे एक मिट्टी का बर्तन रख सकते हैं और उसे भी आप फ्रीक्वेंटली पानी से भरते रहिए, ताकि कोई भी चिड़िया जो आपके घर पे आए वो प्यासी ना जाए. 5th टिप है, जब भी आप एनिमल क्रुएल्टी देखें तो शांत ना रहें. पशु बेजुबान है, इसीलिए आपको उनकी आवाज़ बनना होगा, और इसमें आपकी मदद करेंगे पशु क्रूरता अधिनियम या फिर एनिमल क्रुएल्टी लॉस. एनिमल लॉस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो ज़रूर चेक कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे. हर एक तरीके की पशु क्रूरता के लिए हमारे कानून ने एक निर्धारित सजा और जुर्माना तय किया हुआ है, इसीलिए ऑलवेज कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद ऑल द एनिमल लॉज ऑफ योर कंट्री. अगर आप सच में पशु सेवा करना चाहते हैं तो पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी है सेवा भावना. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे एनजीओ निस्वार्थ के डेविड सर. डेविड सर ने लॉकडाउन के अंदर एक मिशन शुरू किया था, मिशन 2 रोटी हर घर से जयपुर में, जिससे इंस्पायर होकर मैंने भी इस मिशन को बीकानेर में कंडक्ट किया था. अब मैं आपको बताती हूँ इस मिशन में क्या था. यू नो व्हाट, 2 रोटी इज समथिंग जो कि हम जब खाना बनाते हैं दोपहर का, तो 1 रोटी हम नीचे रखते हैं, 1 रोटी हम ऊपर रखते हैं, वो रोटी हम नहीं खाते. तो हम क्या करते हैं, उस रोटी को यूजुअली डस्टबिन में फेंक देते हैं. तो हम लोगों ने क्या किया कि उन 2 रोटीज़ को हम कलेक्ट करते थे हर घर से,
और इन दो रोटीज को हम उन एनिमल्स तक पहुंचाते थे जिनको खाना नहीं मिल रहा था। और आपको तो पता ही है लॉकडाउन में कंडीशंस कितनी बुरी थी। इसमें मेरा पैसा नहीं लगा या सर का पैसा नहीं लगा, इसमें सिर्फ एक आइडिया था, एक कंसेप्ट था और ये इजीली इम्प्लीमेंट हो भी गया। तो सिमिलरली आपको पैसों से भी ज़्यादा सेवा भावना की ज़रूरत होती है। अगर आप चाहें तो आप भी इस मिशन को अपने लोकेलिटी या कॉलोनी में शुरू कर सकते हैं। मिशन दो रोटी हर घर से, जिसमें आपका एक रुपए भी नहीं लगेगा और पशुओं का पेट भी भर जाएगा। अगर आप ये मिशन करने वाले हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके पास भी कुछ ऐसे आइडियाज़ हो तो हमें भी बताइएगा ताकि हम भी उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकें और पशुओं की मदद कर सकें। सेवेंथ टिप है, पशु सिर्फ खाना मांगने नहीं आते, वो आपसे प्रेम की भी इच्छा रखते हैं। अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है देने को, फिर भी आपके पास में प्रेम है देने के लिए। प्रेम की ताकत को कम ना समझें। हो सकता है उस पशु को, उस डॉग को या काऊ को किसी ने पिछली गली में लात मारी हो, वो दर्द में हो। आपका प्रेम उसे ये एहसास दिलाएगा कि नहीं, हम इंसान इतने बुरे भी नहीं हैं। उसे अकेले होने की फीलिंग नहीं आएगी। तो प्यार से कभी उनका सर सहला के तो देखिए, वो जिंदगी अपनी आपके नाम कर देंगे। सो गाइज, ये थी मेरी 7 टिप्स जिनके थ्रू आप पशुओं की सेवा कर सकते हैं। अगर आपके पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं है या बहुत कम पैसे हैं या बहुत सारे पैसे हैं तो भी आप इन टिप्स को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा ही यूनिक आइडिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और इसी तरीके के कंटेंट के साथ में मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।